हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ममता की बहू रिया सावली होने के साथ अपने साथ दहेज में एक रुपया नहीं लाती तो क्या, वो अपने साथ अच्छी किस्मत लाई जिससे उसकी सास उसे अपना लेती है। या फिर ममता को दहेज में पैसे वाली बहू चाहिए थी जिसकी वजह से ममता अपनी बहू के साथ क्या करने वाली थी, चलिए जानते हैं इस कहानी में। रिया की शादी को 5 दिन हुए हैं और इन 5 दिनों में ही ममता अपनी बहू रिया को कई ताने दे चुकी थी क्योंकि रिया का रंग थोड़ा सांवला था और तो और उसके घर वालों ने कोई दहेज भी नहीं दिया था। ऐसे में ममता कोई मौका नहीं छोड़ती थी रिया को ताने देने का। एक रोज सुबह 5 बजे ही ममता अपनी बहू के कमरे का दरवाजा पीटते हुए रिया से कहती है, बहू उठी नहीं तू अभी तक, ये तेरा ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं जो अब तक सोई हुई है। तभी रिया अपनी सास की आवाज सुनकर अपने कमरे से निकल कर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं आ ही रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है, चल अब जाकर खाना बना। रिया अपनी सास के कहने पर खाना बना रही होती है कि तभी कुछ समय बाद ममता को एक कॉल आता है जो लड़की वालों का कॉल था ममता की बेटी रूहानी के लिए जिसका रिश्ता करीब 2 सालों से हो नहीं रहा था। और ये सुनकर ममता खुशी से अपने बेटे रोहित से कहती है, रोहित अपनी रूहानी का रिश्ता पक्का हो गया, लड़के वाले मान गए हैं, उन्हें लड़की पसंद है। ये बहुत अच्छी बात है माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी छोटी की शादी है। पास में बैठी रूहानी भी अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी के आने से अपने घर में कई खुशखबरी आई है, भले ही भाभी दहेज में कुछ भी न लाई हो लेकिन वो अपने साथ दहेज में किस्मत बड़ी भाग्यशाली लाई है। वो क्यों किस्मत लाई के साथ, उसके आने से नहीं हुआ है ये सब, ये तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है। माँ मुझे भी लगता है कि रिया अपने साथ में दहेज में किस्मत लेकर आई है। जब इसका चेहरा ही इतना काला है तो उसकी किस्मत कौन सी अच्छी होगी, जैसी शक्ल वैसी किस्मत। माँ अगर भाभी की जगह मैं होती तो भी क्या आप ऐसे ही बोलती? ऐसे कैसे हो जाती तू सावली या फिर काली, उसकी तो पैदाइश ही ऐसी है। घर वालों का ये मानना था कि रिया की किस्मत अच्छी है, उसके आने से बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन ममता ऐसा नहीं मानती थी। देर शाम जैसे ही रोहित ऑफिस से घर आता है वैसे ही वो सबसे पहले रिया को मिठाई खिलाते हुए कहता है, रिया अब तो मानना ही पड़ेगा कि वाकई तुम दहेज में अपने साथ भाग्यशाली किस्मत लेके आई हो। पहले बताओ तो किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया हमारे साथ भी खुशियाँ बांट लो। हाँ क्यों नहीं, माँ ये आप खाओ और ये तेरा छोटी। ममता को तो इस बात का बहुत बुरा लगता है कि रोहित पहले रिया को मिठाई खिला देता है उसे नहीं, जिस पर ममता रोहित से कहती है, जाकर अपनी बीवी को ही खिला और उसके ही गुनगा। माँ खुशी के मौके पे क्या लेकर बैठ जाती हो? ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता, और इसकी किस्मत से तो कुछ भी होने वाले भी हो तो पहले ही कुछ अशुभ हो जाए। माँ हमने ये थोड़ी ही कहा था कि हम भाभी की किस्मत से जी रहे हैं, हमारे कहने का मतलब था कि उनकी किस्मत अच्छी है और उनका इस घर में आना शुभ है। ये बातें चल ही रही होती हैं तभी ममता से मिलने कांता आती है जो कि ममता की पड़ोसन है, और वो रोहित के हाथों में मिठाई का डब्बा लिए देखकर रोहित से कहती है, किस खुशी में मिठाई खिला रहा है? इसका प्रमोशन हुआ है इसकी मेहनत से, और ये कह रहा है इसकी बीवी की वजह से इसका प्रमोशन हुआ है क्योंकि वो दहेज में कुछ नहीं लाई लेकिन किस्मत जरूर लाई है। हाँ सही तो कह रहा है रोहित, तेरी बहू दहेज में कुछ लाए या ना लाए किस्मत तो जरूर लाई है, तभी तो तेरी बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया है और अब रोहित का प्रमोशन भी हो गया है, तो किस्मत तो तेरी बहू की वाकई में अच्छी है। तू भी इनके साथ शामिल हो गई? मैं तो सच ही कह रही हूँ जो मुझे दिखा, वरना इतने सालों में तो मैंने कुछ अच्छा नहीं सुना तेरे घर के बारे में। अगले दिन ममता आंगन में बैठी होती है तभी रिया को पोछा लगाता हुआ देखकर ममता अपनी बहू को ताने मारते हुए कहती है, मेरे घर वाले तो पागल हो गए हैं, ना जाने किस्मत किस्मत लेकर बैठे हैं, इनके बाप ने दहेज तो दिया नहीं किस्मत कहाँ से देंगे। ममता वहाँ से उठकर गेट के बाहर ही जा रही होती है कि तभी रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप अपने कमरे में चले जाइए क्योंकि वहाँ मैंने पोछा लगा दिया है। हाँ हाँ अब तो कुछ समय बाद ही मुझ पर भी हुक्म चलाने लगेगी।
जैसे ही ममता अपने कमरे में जाने लगती है वैसे ही वो बाहर शोर सुनती है कि किसी ने कांता की चैन छीन ली है। ये सुनकर ममता हैरान रह जाती है क्योंकि कांता तो ममता के घर आ रही थी, लेकिन उससे पहले ममता दरवाजे पर बैठने जा रही होती है। ऐसे में ममता अपनी चैन को देखकर कहती है, आज तो जान बच गई, नहीं तो कांता की जगह मेरी चैन जाती। क्या सच में मेरी बहू अपने दहेज में किस्मत लाई है? उसके कहने पर ही मैं कमरे में गई, नहीं तो घर से बाहर जा रही थी। ममता ये सोच ही रही होती है कि तभी कांता रोते हुए ममता के पास आती है और उससे कहती है, ममता देख मैं तेरे घर के पास ही आ रही थी, लेकिन दो बाइक पर चोर आए और उन्होंने मेरी सोने की चैन गले से खींच ली। सुनी मैंने तेरी सारी बातें, अगर आज तू नहीं जाती तो मैं भी बाहर जा रही थी, लेकिन बहू ने कहा कमरे में चले जाओ और मैं कमरे में चली गई। और तू कहती है कि तेरी बहू की किस्मत बहुत बुरी है, वो तो अपने साथ दहेज में वाकई खुशियाँ लेकर आई है, तू मान या ना मान, लेकिन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ममता अब क्या करूँ मैं? रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, सोच तेरी जान तो बच गई ना। अब जैसे ही ये बात रोहित और रोहानी को पता चलती है, वो भी रिया की किस्मत का होना बता रहे थे कि वाकई रिया की किस्मत इतनी अच्छी है, लेकिन ममता तो अब भी उसकी किस्मत को कोसी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि ये रिया की वजह से ही हुआ है, अगर वो नहीं टोकती तो शायद कांता की जगह ममता बाहर होती और उन चोरों की शिकार हो जाती। अगली सुबह सारा काम हो जाने के बाद ममता अपनी बहू रिया से कहती है, बहू तेरा काम हो गया हो तो जा जाकर मार्केट से सब्जी लेकर आ। माँ जी वो थोड़े कपड़े धोने हैं, वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। आकर घर का काम हो जाएगा, तू पहले बाहर का काम निपटा ले। रिया अपनी सास की बात ना मानकर कपड़े धोने में बिजी हो जाती है और कुछ समय बाद ममता सीढ़ियों से उतरते हुए एक बार फिर रिया से कहती है, बहू तुझे मैंने कहा ना कि जाकर मार्केट से सब्जियां ले आ, शाम हो जाएगी। बस माँ जी कपड़े छत पर डाल दूँ फिर मेरा काम हो जाएगा। ये कहकर रिया छत पर जा ही रही होती है और ममता नीचे आ रही थी, तभी ममता कांता की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करने लगती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रिया अपनी सास को लड़खड़ाते हुए देख कर उनका हाथ पकड़ लेती है और रिया अपनी सास को बचा लेती है। दूसरी तरफ से कांता भी घर आती है तो ममता को देखकर कहती है, ध्यान से ममता। ये देखकर ममता कि वो गिरने से बच गई और उसकी जान रिया ने बचाई है, वो हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर अभी रिया घर पर नहीं होती तो वो सीढ़ियों से ही गिर चुकी होती। और अब दोनों ही नीचे आते हैं और कांता ममता से कहती है, देखा तूने, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू दहेज में कुछ लाई हो या ना लाई हो, लेकिन अपने दहेज में इतनी अच्छी किस्मत लाई है। हाँ आज मैं मान गई कि मेरी बहू ने दहेज के सामानों से मेरे घर को नहीं भरा, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत से इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस तरह ममता को एहसास होता है कि उसकी बहू दहेज में किस्मत लाई है और उसके आने से उसके घर में सिर्फ खुशियाँ ही आई हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।